ये जो चुनाव हमने जीता है, हर व्यक्ति ने ये महसूस किया कि वीरभद्र सिंह जी आज भी हमारे दिलों में जिंदा हैं, उनका ऋण हम एक वोट देकर चुकाना चाहते हैं। वीरभद्र सिंह जी के दिखाए हुए रास्ते पे आगे चलेंगे। जीते चुनाव तो चला राजनीतिक विरासत का दाव। हिमाचल की राजनीति में 6 दशक तक छाए रहने वाले वीरभद्र सिंह की जिस विरासत की याद उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह और बेटे विक्रमादित्य सिंह ने दिलाई, लगता है उसका असर जल्द देखने को मिलेगा। भले ही सुखू सरकार के मंत्रियों के नाम तय करने में कांग्रेस हाईकमान को भारी माथापच्ची करनी पड़ रही हो, लेकिन एक नाम लगभग तय है और वो है दिवंगत वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह का। कांग्रेस नेतृत्व जानता है कि हिमाचल में अगर सरकार को मजबूती से चलाना है तो वीरभद्र परिवार का साथ जरूरी है। इसीलिए वीरभद्र के खास माने जाने वाले मुकेश अग्निहोत्री को डिप्टी सीएम बनाया गया और अब वीरभद्र के बेटे विक्रमादित्य को कैबिनेट मंत्री बनाए जाने की तैयारी है। विक्रमादित्य सिंह शिमला ग्रामीण सीट से लगातार दूसरी बार विधायक बने हैं। वीरभद्र परिवार का कांग्रेस हाईकमान पर इतना असर है कि दिल्ली में सोनिया गांधी ने प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य सिंह को मुलाकात का समय दिया। प्रतिभा सिंह बेशक सीएम की रेस में पिछड़ गई, लेकिन कांग्रेस के 40 विधायकों में से 5 से ज्यादा विधायक उनके समर्थक हैं। पूरे हिमाचल में वीरभद्र परिवार का एक खास रुतबा है, इसीलिए कांग्रेस प्रतिभा सिंह को नाराज नहीं करना चाहती। विक्रमादित्य सिंह को सुखू कैबिनेट में शामिल किया जाना तय माना जा रहा है। मैं क्या बन रहा हूँ क्या नहीं बन रहा हूँ, दैट इज फॉर दी हाई कमांड टू डिसाइड। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं ये बन रहा हूँ या वो बन रहा हूँ। ये जो भी अटकलें थी वो बाजार में थी, मीडिया में थी। हालांकि हिमाचल कैबिनेट के विस्तार से पहले विक्रमादित्य सिंह के खिलाफ उनकी पत्नी सुदर्शना सिंह का घरेलू हिंसा वाला केस भी सुर्खियों में है। ये मामला उदयपुर कोर्ट में चल रहा है, विरोधी इसे तूल भी दे रहे हैं, लेकिन परिवार का रसूख और हिमाचल के राजनीतिक समीकरण को देखते हुए ये तय माना जा रहा है कि विक्रमादित्य हिमाचल कैबिनेट में शामिल होंगे। दिल्ली से जैनेन्द्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।